हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द रेक्टिफायर, मींस व्हाट इज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर आर दोज डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। जो है रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट है, जो यहां पर एसी सिग्नल है वो डीसी में कन्वर्ट कर दे। ये रेक्टिफायर सर्किट है। यहाँ पर इसका इनपुट होगा, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। यदि इनपुट आप ए दे रहे हैं, एसी सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पर एसी सिग्नल का मतलब है जीरो से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए सिग्नल और जीरो से अपोजिट डायरेक्शन में भी जाए, तो ऐसे सिग्नल को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। कौन सा सिग्नल है? एसी सिग्नल है, अल्टरनेटिंग करंट। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाती है और नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाती है। यदि ये इनपुट आ रहा 220 वोल्ट आ रहा, प्लस 220 वोल्ट, माइनस 220 वोल्ट, एसी सिग्नल है। रेक्टिफायर को इनपुट दिया है एसी सिग्नल, तो आउटपुट पर आएगा डीसी सिग्नल। ये डीसी सिग्नल है, डीसी सिग्नल कांस्टेंट होता है और ये 6 वोल्ट है अगर, तो 6 वोल्ट पर। रेक्टिफायर जो है कहाँ यूज होता है? रेक्टिफायर हम जो है हमारे घर में, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्जर का जो एडॉप्टर होता है उसमें रेक्टिफायर सर्किट लगा रहता है। इनपुट तो एडॉप्टर जो हम प्लग में लगाते हैं वो एसी होती है, वो 220 वोल्ट देता है, लेकिन उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो 909 पर कन्वर्ट करता है, और वहाँ पर एक रेक्टिफायर सर्किट लगा रहता है जो डायोड से बनता है, वो सर्किट लगा रहता है। वो सर्किट जो है आउटपुट पर डीसी सप्लाई देता है जिससे हमारा मोबाइल चार्ज होता है। क्लियर है? तो हमें हमारे लाइफ में जो है एसी सिग्नल की जितनी रिक्वायरमेंट है, उतनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की भी सख्त आवश्यकता है। क्लियर है? यदि डीसी नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा किसी भी हालत में। तो रेक्टिफायर डीसी देता है, इनपुट में एसी लेता है। अब एसी सिग्नल की क्यों जरूरत, डीसी सिग्नल की क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस एसी पर काम नहीं करेगा, डीसी पर ही ऑपरेट होगा। क्यों? जैसे आपने पढ़ा था रेक्टिफायर डायोड का ग्राफ पढ़ा होगा, ऐसे बीआई करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा, तो बीआई करेक्टरिस्टिक्स कैसे जाता है? यहाँ पर डायोड ऐसे जाता है, यहाँ पर कहीं पर ऑन होता है, जब यहाँ पर ऑन हो गया तो डायोड की करंट ऐसे ऐसे जाने लगती है। अगर करंट यहाँ तक गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ तक गया, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है तो ऐसे जाएगा, और थोड़ी देर में नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगी तो डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में, तो ऐसे जाएगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन ऑफ होता रहेगा डायोड, कोई ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा। अब जब डायोड को सही में ऑपरेशन करना था इस जगह पर, वहां डायोड जा ही नहीं पा रहा, ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, इसलिए डायोड डैमेज हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, डायोड खराब हो जाएगा, कोई भी सेमीकंडक्टर से बनी हुई डिवाइस ऑपरेट नहीं हो पाएगी। क्लियर है? इसलिए हमें डीसी की रिक्वायरमेंट है एसी कंपोनेंट्स, एसी डिवाइसेस को चलाने के लिए। तो रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, बेसिकली रेक्टिफायर आर ओनली टू टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर अगेन आर टू टाइप्स, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर रिक्वायर्ड ओनली वन डायोड। फुल वेव रेक्टिफायर आर टू टाइप्स, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर रिक्वायर्ड टू डायोड्स एंड ब्रिज रेक्टिफायर रिक्वायर्ड फोर डायोड्स। क्लियर है? तो इतना कॉन्सेप्ट तो हो गया डायोड का, क्या होता है रेक्टिफायर और क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन इसमें डीसी कैसे आ रही है इसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो एक छोटा सा डायग्राम हमने, ब्लॉक डायग्राम यहाँ बनाया है। ये नहीं समझना है तो आप इतना ही समझिए जितना ये ऊपर समझाया है हमने, और आप सीधे आ जाइए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है जो हम यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी सा इंट्रोडक्शन में और देना चाहते हैं अभी। क्लियर है? यहाँ पर जो है ये पूरा सिस्टम जो बना है ये लगा लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी इनपुट लेता है, एसी ही आउटपुट में देता है। ये इस ट्रांसफार्मर में यहाँ पर भी एसी है और यहाँ पर भी एसी, आउटपुट पर भी एसी है। कितने वोल्ट है? 220 वोल्ट आ रहा, 220 वोल्ट आ रहा, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हमारे घर में आती है, इंडिया में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज चलती है, जबकि यूएसए में 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चलती है एसी की। तो 220 वोल्ट हमारे घर में आ रहा है, मोबाइल को चार्ज करना है तो हमने लगा दिया एक एडॉप्टर, एडॉप्टर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एक छोटा सा। कौन सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है? वो 909 ट्रांसफार्मर बोलते हैं, 909 9-0-9। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो यहाँ पर है ए वोल्टेज, ए वाला वोल्टेज जो है बहुत हाई वोल्टेज होता है।
कितने बोल्ट होता है, ये 220 बोल्ट ऊपर होता है और -220 बोल्ट नीचे होता है, यहाँ पर जीरो होता है, जीरो से प्लस में गया और माइनस में 220 बोल्ट गया, इसलिए एसी सिग्नल जो हमारे घर में आता 220 बोल्ट आता है। लेकिन मोबाइल को 220 बोल्ट नहीं देंगे, डॉक्टर में लगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पड़े होंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा 909 है, 909 का मतलब क्या है, ये ऐसे सिग्नल दे रहा है, कितने बोल्ट, यहाँ पर जीरो बोल्ट, यहाँ पर कितना प्लस का 9 बोल्ट, यहाँ पर माइनस का 9 बोल्ट, इसलिए इसको बोलेंगे 909 ट्रांसफार्मर। क्लियर है। अभी ट्रांसफार्मर ने एसी दे दिया, कम एसी कर दिया, हाई वोल्टेज को 9 वोल्ट में बदल दिया, इसने लगा दिया यहाँ पर एक रेक्टिफायर, जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं यही हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर कैसा सिग्नल आ जाएगा, यहाँ पर आपका कैसा सिग्नल आएगा, जो एसी सिग्नल आएगा यहाँ पर कई तरीके से आ सकता है, अमूमन हम जो है ऐसे ऐसे पढ़ा करते हैं, एसी ऐसे सिग्नल आ रहा है डीसी, तो इसको बोलते हैं डीसी नहीं है, डीसी तो सीधी लाइन होती है पर कांस्टेंट होकर चलती है, तो ये ना तो एसी के, इसमें एसी भी नहीं है अच्छी वाली है ना डीसी है, ये कहीं की नहीं है इस टाइम, ये रेक्टिफायर जो लगाते हैं इसके लिए इसको बोलते हैं कौन सी डीसी तो बोलते हैं, लेकिन कौन सी ये पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं इसको, पल्सेटिंग डीसी। इसमें एसी के गुण, इसमें कौन से गुण पाए जा रहे हैं, एसी प्लस डीसी दोनों के गुण हैं, एसी प्लस डीसी दोनों के गुण हैं यहाँ पर, यहाँ पर एसी भी के गुण हैं। एसी के गुण कैसे हैं, देखिए एसी ऊपर नीचे चला करती है, और डीसी कैसे डीसी का मतलब है जीरो से नीचे आ ही नहीं रही है, या तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं हम, इसी चीज को हम कैसे बना सकते थे, ये जो है ऐसे आ सकती है, जैसे हाफ व्यक्ति पार दें तो एक पॉजिटिव पल्स आ जाए, एक ना आए, एक पल्स की तरह आ रही है, ऐसे पल्स चलती है हमारी नब्ज़, से ये एक बार आई डाउन हुई अप डाउन। क्लियर है। तो ये हो गई ये एसी सिग्नल, अगर फुल हाफ वेव रेक्टिफायर तो ऐसा, यदि फुल वेव रेक्टिफायर लगा दिया हमने तो ऐसे ही आएगी, मतलब ये सिग्नल जो है रेक्टिफायर क्या करता है, अगर एसी ऐसे ऐसे आ रहा है तो ये क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, नीचे की वेव को कट कर देता है, सिर्फ ऊपर ऊपर की बचाता है, और फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता, नीचे ऊपर की होती है और जो नीचे की होती है वो भी ऐसे बनाता तो ऐसे बन जाता सिग्नल, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। और इसी को चीज को पढ़ना है आपको डिटेल में कि कैसे आ रहा है, अभी तो हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं, यहाँ पर एक एक सर्किट लगा के करेंगे। इसके बाद एसी और डीसी दोनों के गुण हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इस पल्सेटिंग डीसी तो किसी काम की नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगी। यहाँ पर अगर हम फिल्टर लगा दें, फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, जो दो चीजों को छान के अलग अलग कर दे, तो फिल्टर लगाते हैं यहाँ पर, कौन सा फिल्टर, या कैपेसिटिव फिल्टर होता है, या इंडक्टिव फिल्टर होता है, या जो है सीएलसी फिल्टर होता है, और सीएलसी फिल्टर को ही हम पाई फिल्टर बोलते हैं। तो पाई फिल्टर कैपेसिटर से बनता है, वो इंडक्टर से भी बनता है, और कैपेसिटर इंडक्टर लगा दें तो जो है फिल्टर, जो है फिल्टर क्या करता है, एसी और डीसी दोनों को जो है मैसेज छान देता है, फिल्टर कर देता है, तो एसी तो यहाँ से लौट के वापस चली जाती है, लेकिन डीसी कहाँ जाती है, यहाँ पर प्योर डीसी, यहाँ पर डीसी आ जाती है डीसी, और डीसी आएगी तो ये लाइन कैसे जाएगी सिग्नल की, डीसी जो हमने यहाँ पर बनाई थी सीधी लाइन, अगर फिल्टर के बाद रेक्टिफायर लगा और फिल्टर, तो ये डीसी है, कौन सी डीसी है, ये है प्योर डीसी, प्योर डीसी। ये कौन सी थी, पल्सेटिंग डीसी, पल्स की तरह आ रही थी, आई फिर गई लो हाई लो हाई। ये रेगुलेटर क्या है, रेगुलेटर का मतलब रेगुलरली दे रहा हो, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर जो मिलता है रेगुलेटेड सप्लाई मिलती है, रेगुलेटेड सप्लाई का मतलब क्या है, यदि इनपुट में कुछ भी फ्लैक्चुएशन होता रहे, कम वोल्टेज होता रहे, यहाँ पर कोई इफेक्ट ना पड़े, रेगुलेटर का ये काम है, रेगुलरली वोल्टेज प्रोवाइड कराता रहे। क्लियर है ना। और डीसी है तो डीसी जो है कांस्टेंट होकर चलती है, इसलिए रेगुलरली आती रहती है, इसलिए इस पूरे सिस्टम को चारों ब्लॉकों को मिला दें, इसको जो है पावर रेगुलेटर बोलते हैं। क्लियर है। तो ये तो इंट्रोडक्शन में ही था सब, एसी कैसे आए, ट्रांसफार्मर ने क्या किया, फिर पल्सेटिंग डीसी कैसे मिली, फिल्टर का क्या काम था। तो अभी हमें सिर्फ इस ब्लॉक को पढ़ना है, इस ब्लॉक को, इसमें रेक्टिफायर तीन तरह के, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर आर अगॉन टू टाइप्स, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर भी फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम पहली हेडिंग डाले यहाँ पर, कौन सी, हाफ वेव रेक्टिफायर।
इसको हमें अभी पढ़ना है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? हाफ वेव रेक्टिफायर प्रोवाइड्स ओनली हाफ साइकिल एंड रिमूव हाफ साइकिल। क्या करता है हाफ साइकिल? तो ये क्या कर देता है? देता है और दूसरी हाफ साइकिल को क्या करता है? रिमूव कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। जो है एक साइकिल को तो दे दे, मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो दे दे और नेगेटिव हाफ साइकिल को कट कर दे। कैसे? जैसे अगर इनपुट ऐसे आ रहा, देखिए ऐसे, तो आउटपुट में क्या कर दे? आउटपुट में सिर्फ ऐसा दे दे, जीरो से पाई तो दे दे आउटपुट में, और जीरो से पाई तो दे दे, लेकिन पाई से टू पाई में क्या कर दे? ऐसे कर दे। अगर ये सिग्नल फिर से ऐसा आ जाए तो फिर ऐसा दे दे, तो ए हो गया पाई, ए हो गया टू पाई, ए हो गया थ्री पाई। तो ऊपर की वेव को तो दे दिया इसने, और नीचे की वेव को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ये वाली वेव फॉर्म नहीं है, इसलिए ऐसे सिग्नल ऐसे। अभी करता कौन है? ये सर्किट करता है। ये सर्किट कौन सा करता है? किससे बना होता है? वो सर्किट बना होता है डायोड से। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में वन डायोड हमने लिखा है, इसमें टू डायोड, इसमें फोर डायोड। तो अभी हम सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ साइकिल को रिमूव कर देता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हाफ साइकिल को तो देता है, हाफ साइकिल को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। क्लियर? रिमूव कर देता है। और इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? यदि कंस्ट्रक्शन की बात करें, इट रिक्वायर्स ओनली वन डायोड एंड ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहा है? 220 वोल्ट आ रहा है इस ट्रांसफार्मर जो ये आ रहा है। कितने हर्ज आ रहा है? एसी आ रहा है, एसी है। और ये कितना है? ये 50 हर्ज की फ्रिक्वेंसी आ रही होगी। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, जो भी मान लें प्लस माइनस कहीं भी रख लो। यहाँ पर भी अब ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग है, सेकेंडरी बाइंडिंग है, यहाँ पर भी एसी ही आ रहा है। यहाँ एसी 220 वोल्ट था, यहाँ कितना दे रहा? हमने बताया था 9 वोल्ट दे रहा है, 909 वोल्ट। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ से यहाँ पर डाउन कर दिया वोल्टेज को 9 वोल्ट तक। इसके बाद यहाँ पर ए वाला सर्किट जो लगा, इतना एक डायोड लगा के ही हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया। हमें इसलिए लिखा था वन डायोड। अब इसको समझना है कि ऐसी वेव फॉर्म कैसे देगा। ये देखिए, ये सर्किट है। इस सर्किट में क्या करना है हमें? इनपुट दिया ऐसा, इसकी वर्किंग समझनी है कि एसी ये आ रहा है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है। एक साइकिल कंप्लीट हो गई। हम एक साइकिल की स्टडी करेंगे, जैसा एक साइकिल में हो रहा होगा वैसे सभी साइकिल में होगा। तो इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन तो आगे समझो, एक डायोड लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया आरएल, यहाँ पर इसका यूज करेंगे। वर्किंग है, वर्किंग को हमें दो केस में समझना होगा। कैसे? पहला केस क्या है? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही, मीन्स जीरो से पाई। दूसरा केस क्या समझना? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, मींस पाई टू टू पाई। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाली है केस फर्स्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर डाली है हेडिंग केस सेकंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर है? तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा भाई? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा। ये डायोड का ए वाला जो होता है, ये पी एन होता है, जो ये लाइन होती है, ए वाली लाइन एन होता है। अब पॉजिटिव को यहाँ पर पॉजिटिव मिल गया, यहाँ से नेगेटिव मिल गया, तो डायोड किस में चला गया? ये जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी एसी की, तो यहाँ पर क्या मिल गया? ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव से, और डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में। डायोड जब फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो यह जी शॉर्ट सर्किट काम करता है। क्लियर है? तो ये डायोड कर जाएगा शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे इसी सर्किट को हमने फिर यहाँ बना दिया। कब की बात कर रहे हैं? सिर्फ हम पॉजिटिव हाफ साइकिल जीरो से पाई की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की, जो इतने की ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इतना ही हमने इनपुट बनाया बी आई, बी नॉट यहाँ पर आना, कैसे आएगा जो सर्किट बताएगा। तो हमने सर्किट में देखा कि डायोड हो गया रेक्टिफाई, डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में। जब ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में, तो डायोड क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो ये डायोड यहाँ पर जो ये बना है, ये डायोड है, ये डायोड क्या हो गया? शॉर्ट सर्किटेड हो गया। अब यहाँ से सप्लाई आ रही थी, यहाँ प्लस आ रही थी, यहाँ माइनस आ रही थी, तो इसमें ऐसे ऐसे करंट फ्लो होगी। जो करंट फ्लो होगी, तो कौन सी करंट फ्लो होगी? इसमें करंट का नाम क्या रख लें? आई एल। इस करंट का नाम क्या रख लें? लोड करंट आई एल। आई एल आ रही है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी मिलेगा, तो बी नॉट इक्वल टू कितना होगा? आई इंटू आर। तो बी इक्वल टू आई इंटू आर, तो यहाँ पर बी नॉट मिलेगा आपको, यहाँ पर इस टर्मिनल पर प्लस माइनस। बी नॉट इक्वल टू आई आई एल इंटू आर एल। आई एल आ रही है, करंट इसमें फ्लो हो रही है, इसलिए आई एल इंटू आर एल।
ये प्लस में है माइनस में नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा देयरफॉर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज इन सेम फेज एज इनपुट वोल्टेज। यदि सेम फेज इनपुट वोल्टेज का मतलब क्या, यदि इनपुट वेवफॉर्म आउटपुट पे जैसी आ रही है, पूरा वोल्टेज जो यहाँ से आएगा बी आई, वो बिल्कुल बी आई यहाँ पर है, सही कहें तो बी आई जो यहाँ पर आएगा वही बिल्कुल सेम सेम फेज में रहेगा। यदि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में चल रही है तो यहाँ पर भी वेवफॉर्म कैसी जाएगी, जीरो से पाई लिखे दे रहे हैं हम, जीरो से पाई की हम अभी बात कर रहे हैं, तो ऐसा वोल्टेज मिल जाएगा आपको, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गई। अभी इसकी बात ही नहीं की हमने। अब दूसरा केस आता है, केस सेकंड है, ये केस फर्स्ट था ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ए वाली साइकिल, ए वाली साइकिल का मतलब पाई टू टू पाई। तो इनपुट कैसा देंगे हम, इनपुट ऐसा देंगे, यहाँ पर देखिए ब्लू से बनाए तो हम ब्लू से बना दें, यहाँ पर ऐसे इनपुट आ रहा होगा तब क्या हो रहा होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर टू पाई है, पाई से टू पाई की हम बात कर रहे हैं। जब पाई से टू पाई की बात करेंगे, ये कौन सी साइकिल है, ये है नेगेटिव हाफ साइकिल, ये है नेगेटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ माइनस बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, और डायोड यहाँ पर कैसे कनेक्ट है देखिए, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव से कनेक्ट, और नेगेटिव हो गया पॉजिटिव से कनेक्ट, इसलिए ये हो गया रिवर्स वायस। जब रिवर्स वायस हो गया तो डायोड हो गया ओपन सर्किटेड, तो यहाँ पर डायोड है ओपन सर्किटेड है। जब ओपन सर्किटेड हो गया तो इसमें करंट कैसे फ्लो तो होनी चाहिए थी यहाँ से, लेकिन ओपन कर दिया इसने सर्किट, तो इसमें करंट कितनी होगी, आई एल, आई एल कितनी होगी, इसमें जीरो होगी। जब आई एल जीरो होगी तो बी नॉट इक्वल टू आई एल इंटू आर एल होगा, बी नॉट इक्वल टू आई एल इंटू आर एल होगा, आई एल की वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू आर एल होगा, किसी भी चीज़ से जीरो कोड़ागा तो बी नॉट इक्वल टू जीरो वोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज जीरो वोल्ट हो जाएगा। जीरो वोल्ट का मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे, कैसे जाएगा आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर इसका वोल्टेज खींचना है, ये यहाँ पर पाई था, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर टू पाई, तो पाई से टू पाई के बीच में वोल्टेज कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो तो हमने ऐसा बना दिया, तो ए वाला कैलकुलेशन हो गया। द फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म कैसी बनी है, फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ बनाना है, तो ये तो आ रही है आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल, कहाँ से कहाँ तक, ये पाई है, ये टू पाई है, ये पाई है, ये टू पाई है। जब जीरो से पाई दिया था तो ऊपर की वेवफॉर्म आई थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल आई थी, सेम फेज में आई थी, और जब नेगेटिव साइकिल आई है, जब नेगेटिव साइकिल तो सीधी जीरो जा रही, तो यहाँ पर कैसा वोल्टेज बनेगा आपका, यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल में तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जीरो से पाई के बीच में, और पाई से टू पाई के बीच में कितना आया था, पाई से टू पाई के बीच में जीरो वोल्टेज आया था, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया तो यहाँ पर यहाँ से वोल्टेज मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये हाफ साइकिल तो इसने दे दी, हाफ साइकिल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हमने यही लिखा था कि रिमूव हाफ साइकिल, इट गिव्स ओनली हाफ साइकिल, देता है और रिमूव कर देता है हाफ साइकिल को, तो हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो इसने दे दिया, और नेगेटिव हाफ साइकिल को इसने कट कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर ये साइकिल अगर ऐसे ऐसे चलती रहे, मान लो ये वाली ऐसी चलती रहेगी, क्लियर है, अगर ये ऐसी चलती रहेगी तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर आ गई, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल तो यहाँ पर फिर मिल जाएगा आपको, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पर फिर कट हो जाएगा, और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म है। तो ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर था, ये जो है सिंपल थ्योरी है, अभी इसका डेरिवेशन नहीं है, तो ये सिंपल थ्योरी है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का किया। इससे आगे हम जो है फुल वेव रेक्टिफायर का, सेंटर टेप रेक्टिफायर का एक अलग वीडियो होगा जो थ्योरी होगी, और ब्रिज रेक्टिफायर का एक अलग वीडियो होगा, क्योंकि इतने ही इतने टॉपिक हैं इसलिए एक वीडियो में नहीं करना चाहिए। इसके आगे वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें सेंटर टेप रेक्टिफायर मिलेगा, और उससे आगे वाला देखेंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर मिलेगा थ्योरी, फिर उसके बाद इसके एक्सप्रेशन ड्राइव किए जाते हैं, क्लियर है, वो मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू, थैंक यू।